सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी एम एंड डब्ल्यू पैटर्न की। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे 9:15 ईएम स्ट्रेटजी की। ठीक है, तो ईएम स्ट्रेटजी क्या है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है और जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकती है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी द ट्रेड रूम है एक यूट्यूब चैनल, वो बहुत अच्छे से इसको करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बड़े बड़े जो उसी के बेस पे ही ट्रेड्स लेते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ मैं कैसे करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये चार्ट ओपन है ट्रेडिंग व्यू का, बैंक निफ्टी का। तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाके आप चार्ट अपना लॉगिन कर सकते हो। अकाउंट लॉगिन करने के बाद उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको रखना है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम रखने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है इंडिकेटर्स में और इंडिकेटर्स सर्च करना है आपको ईएमए। तो ये ऊपर आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसका फुल नेम है ईएमए का। तो इसको आपको डबल टैप करना है। ठीक है, दो बार क्लिक करना है ताकि दो ईएमए लग जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे दो ईएमए लग चुके हैं। देखो, ये रहा ईएमए 9 और ईएमए 9। इसमें से एक जो इसका बाई डिफॉल्ट लेंथ जो होता है ना वो 9 होता है। ठीक है, तो एक का तो जो लेंथ है वो 9 ही रहने देना है और दूसरे का चेंज करके आपको 15 कर देना है। तो मैं एक का चेंज कर देता हूँ यहाँ पे लेंथ में जाके, और आपको 15 कर देना है। मैंने यहाँ पे 15 कर दिया है। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग लाइन शो हो रही है, आपको दिख रही है? तो अलग अलग लाइन आपको दिख जाएंगी। अब आपको ट्रेड्स वगैरह कैसे लेने हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये चार्ट आपका बैंक निफ्टी का है, और आपको मैं एक और चीज़ कर देता हूँ जिससे कि यहाँ से आपको कलर वगैरह चेंज करना है। जैसे कि स्टाइल में जाओगे आप तो यहाँ पे इसका एक कलर है, जो भी आपको कलर अलग से रखना है, जैसे मैं ये रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये कलर चेंज हो गया मेरे ईएमए का 15 का। और यहाँ पे थिकनेस बढ़ानी, थिकनेस ऐसे बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ये डिफरेंट लगेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा 15 का। देखो, आप रेड वाला जो है वो 15 ईएमए है, और 9 वाला है जो वो ग्रीन है जो ब्लू करके है। ठीक है, ये वाला है। अब आपको ट्रेड्स कैसे लेने हैं, देखो जब भी ये जो आपकी ईएमए है ना, दोनों जब भी यहाँ से ऐसे क्रॉस ओवर दे दें ईएमए से, जैसे यहाँ से इसने क्लोज किया और यहाँ इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी ईएमए के ऊपर, जो लाइन है ना लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो आपको सी साइड की पोजीशन ले लेनी है। ठीक है, जैसे ये क्रॉस ओवर दे दे, जैसे कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद दोबारा से ऊपर आया और ऊपर आया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइन को तो ब्रेक कर दिया उसने, लेकिन दूसरी रेड वाली जो 15 ईएमए है ना उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे ऊपर सस्टेन कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमको एंट्री मिल गई, और एंट्री मिलने के बाद यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई कॉल की साइड की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन लगा दी, यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन लगा दी। और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना, कैंडल का जो लो है ना, जो जिस कैंडल पे हमने लिया उसका लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखो, इसमें जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो रहा है, 151 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आप बढ़ा के इसको ईएमए भी कर सकते हो, और घटा के आप जहाँ भी करना चाहो जितना आप रख सकते हो, लेकिन आपका टारगेट 1:2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका 155 का स्टॉप लॉस है तो आपको 300 पॉइंट का एवरेज टारगेट होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको 1:2 का टारगेट रखना है, और आपको टारगेट 1:2 का मिला भी है। ठीक है, उसके बाद देखो ये नीचे आया ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर चलता रहा है, यहाँ से नीचे इसने क्लोजिंग दिया, यहाँ दोबारा सस्टेन कर गया, फिर से पहुंच गया। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पे हमें एंट्री मिली, अगर हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया वो, जैसे नीचे गया ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी इसने और यहाँ पे हमको एंट्री मिल गई। अब इसका स्टॉप लॉस कितना है देखते हैं, इसका स्टॉप लॉस 53 पॉइंट का, तो 100 पॉइंट का हमें टारगेट लगाना आगे, फर्स्ट टारगेट तो 100 पॉइंट का इजीली हमें टारगेट मिल गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, 100 पॉइंट का टारगेट हमको मिल गया यहाँ पे, कितने कैंडल्स में, 1 2 3 4 5 6 छः कैंडल में हमें टारगेट मिल गया। ठीक है, ऐसे आपको ईएमए पे ट्रेड लेने हैं। अभी जैसे देखो यहाँ पे अभी करंट मार्केट चल रहा है, यहाँ से ओपनिंग हुआ या फिर दोबारा नीचे फॉल आया। ठीक है, तो देखो यहाँ का ही फॉल आया इसमें, यहाँ इसने नीचे ब्रेकआउट दे दिया, तो हमें नीचे की साइड का ट्रेड मिल गया। अब नीचे की साइड का ट्रेड मिल गया तो हमें क्या क्या लेंगे, हम पी पुट पुट का ट्रेड लेंगे, तो
हम शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ का शॉर्ट पोजीशन लगा दिया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया कितने पॉइंट का, यहाँ कहीं हमारे स्टॉप लॉस बन रहा है 56 पॉइंट का है, तो टारगेट हमारा अंडर 100 पॉइंट का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं तक हमें अच्छा टारगेट मिल गया था। तो ये छोटे छोटे स्कैल्प है ना, यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो स्कैल्पिंग, ठीक है। ऐसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो छोटे छोटे नाइन ई एम ए के बेस पे, ठीक है। ये हो गया हमारा ई एम ए का। अभी हम और देख लेते हैं एक आधा दो, अभी चलो निफ्टी में देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का, ये निफ्टी का हो गया, ठीक है। तो निफ्टी में जैसे आज के ट्रेड्स के देखें हम ईएमए में, तो देखो यहाँ कहीं ऊपर आया, यहाँ से नीचे आया और यहाँ इसने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पोजीशन मिल गई नीचे की साइड की, पुट साइड की, तो हमें पुट में ट्रेड ले आया था। उसके बाद हमारा एसएल कितने का, 15 पॉइंट का। तो हमारा टारगेट कितने का हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट का, और हमें आसानी से हमें टारगेट दिया है, देख लो, है ना। तो ऐसे हमको ट्रेड्स लेने हैं, स्कैल्प करने छोटे छोटे। तो आपको बहुत सारे ट्रेड्स दिन में 5 से 7 ट्रेड आराम से ले सकते हो आप, ठीक है। और ज़्यादा आप ट्रेड करोगे तो उसमें आपका मेंटली जो है माइंड ख़राब होगा, और ज़्यादा ट्रेड लोगे लॉस होगा, तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका ब्रोकरेज या चार्जेस बहुत ज़्यादा कट जाएंगे, और आप जितना भी प्रॉफिट होगा ना आपका, वो रिकवर फिर करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। छोटा अगर आप लॉस ले रहे हो ना, तो उसको रिकवर करना ईजी हो जाता है, ठीक है। आज जैसे आपने स्टॉप लॉस ले लिया, तो कल आप उसको आसानी से रिकवर कर पाओगे, लेकिन आपने एक ही दिन में ज़्यादा लॉस ले लिया ना, तो उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद इसने नीचे सस्टेन किया, ठीक है, फिर ऊपर आया और यहाँ कहीं फिर से ट्रेड मिला। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब ये देखो ऐसा बिहेव करता है ना आई एम ए, ऐसा बिहेव, तो आपको ट्रेड नहीं लेना, उसको अवॉइड करना है। जब ई एम ए ऐसा बिहेव करता है ना, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, तब आपको अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये सस्टेन ही हो रहा है एवरेज, लेकिन आप छोटे पॉइंट्स निकाल सकते हो यहाँ से भी, और बड़े के लिए जाओगे तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, देखो अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स के लिए जाओगे और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, रेंज में है एक में, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है कि आपका जो प्रीमियम है ना वो डीके होता रहता है, ठीक है। चार्ट आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन प्रीमियम आपका ख़त्म होता रहेगा, जो आपका जहाँ भी आप ट्रेड लोगे वहाँ पे आपका प्रीमियम जो है वो ख़त्म होता रहेगा, ठीक है। तो और ट्रेड्स देख लेते हैं इसमें। देखो ईएमए पे आप अब यहाँ पे देखो ट्रेंडिंग मार्केट है ना, अपसाइड में, तो कहीं भी आपको ब्रेकआउट मिला, जैसे यहाँ पे मिला, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जहाँ भी आपको लगा, और आप एसएल को बड़ा बढ़ा के कर सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये नीचे गया, सस्टेन किया और ऊपर आ गया, यहाँ से फिर अच्छा ट्रेड मिल गया दो कैंडल्स में, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट है ना, ये आपको ट्रेड लेने वाला नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि ये यहीं की रेंज बाउंड है पूरा, ये 22 तारीख का है, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रेड लेना मतलब बहुत रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। ये अभी देखो यहाँ पे ईएमए है जो वो ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन यहाँ देखो रेंज बाउंड है, तो इस सब चीज़ से भी हमको बचना है, ठीक है। कहीं आप उसमें रेंज बाउंड में ट्रेड ले लो और उसके बाद आपको ट्रेड मिल जाए, बट आप वहाँ पे प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो, जहाँ भी आपको ट्रेंडिंग दिखे ना वहाँ आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ईएमए स्ट्रेटजी। अब हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी स्ट्रेटजी, जो मॉर्निंग स्ट्रेटजी, जिसमें आपको मॉर्निंग में ही आपको ट्रेड मिल जाएगा, जो कि ओनली ऑन बैंक निफ्टी के लिए होती है, ना कि निफ्टी के लिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए होती है, उसमें आपको क्या करना है, देखो मैं चार्ट पे हूँ अभी, इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, एक बार इंडिकेटर्स बैठा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली चार्ट है बैंक निफ्टी का, तो इसमें कैसे ट्रेड्स लेते हैं, देखो आज का भी मैं दिखा देता हूँ, किसी भी दिन का देखोगा। फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट की जगह 1 मिनट का चार्ट लगा लेना है, ठीक है। 1 मिनट का लगा लिया मैंने, नो इशू, ओके। इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है, ये आ गई मॉर्निंग में। अब देखो आपको 9:08 पे पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होने वाला है, ठीक है, प्री मार्केट ओपनिंग। देखो यहाँ पे पता लग गया कि मार्केट हमारा यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो ये क्या है 48,668। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 पॉइंट तो ऊपर और 100 पॉइंट नीचे,
दोनों साइड में आपको मार्क कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट है 48,668, तो 100 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो हम लोग 768, सॉरी 50 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो यहाँ कहीं 750 पे जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट, ये है अपना 668। ठीक है, तो ये देखो, अगर ये आपका 50 के और 100 के किधर के नजदीक है, तो ये 50 के नजदीक है 68। ठीक है, तो 650 लगा के चलेंगे हम, और नेक्स्ट जाएंगे हम 100 पॉइंट का, तो 750 पे हो रहा है। ठीक है, ऐसे हमको लेना है। वहीं आप नीचे की साइड में करोगे तो इसका हो गया करीब करीब आपका ये 600। ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ कहीं हो गया। ठीक है, 550। तो अब देखो क्या करना है इसमें, आपको मैं समझा देता हूँ सिंपल सा। जैसे कि हमको यहाँ हमारी मार्केट ओपनिंग हुई, ठीक है, यहाँ से इसने ऊपर गया, जिस भी लाइन को ब्रेक करता है वो वहाँ का हमको ट्रेड मिलता है। ठीक है, जैसे कि ये अपना कॉल की साइड का हो गया, अगर हमें ऊपर ये ब्रेकआउट कर देता है तो कॉल की साइड का ट्रेड मिल गया, अगर ये नीचे की साइड ब्रेक कर देता है इसको तो हमें पुट की साइड का ट्रेड मिल जाता। ठीक है, अब ये ऊपर की साइड में यहाँ पे इसने 1 मिनट की कैंडल ये है, फिर दूसरे मिनट की ये है, तो यहाँ पे इसने अप साइड में दे दिया मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बाय कर लेना था, क्या कॉल बाय कर लेना था हमको। ठीक है, यहाँ पे हमको कॉल बाय कर लेना था यहाँ कहीं पे, उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो हो जाता, और टारगेट हमारा, जैसे कि देखो यहाँ हमें प्रीवियस डे को भी देखना होता है, अगर प्रीवियस डे का हाई जो है वो वहाँ तक का टारगेट मिल सकता है तो वहाँ तक का लेना है, अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस अटक रहा है तो वहां तक का टारगेट लेना, तो वो चीज हमको डिपेंड करनी है। यानी कि कहने का मतलब ये आपको 15-20 पॉइंट आसानी से मिल जाने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 15 पॉइंट मिले नहीं कि आप एग्जिट मारो वहां से सीधा, आपको बस 15 पॉइंट के लिए बैठना है। देखो जहां तक, जैसे मैं, जैसे इसने कल यहाँ तक का हाई मारा, 1 मिनट, इसने कल यहाँ तक का हाई मारा, ठीक है, फिर यहाँ मारा, और तो आपको क्या देखना है कि भाई यहाँ पे हो सकता है मार्केट रिवर्सल हो जाए इस जगह से। ठीक है, सस्टेन कर जाए, क्योंकि यहाँ दो कल का हाई इस जगह पे है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो, तो यहाँ तक का आपको टारगेट लेके रखना है कि भाई यहाँ तक हमें मिल जाए तो हमारा काम हो गया। तो फर्स्ट ट्रेड आपको ऐसे मिल गया, आज भी मिला था। अभी देखो ये हो गया आज का, बात कर लेते हैं हम लोग और दिन की। ठीक है, चलते हैं पीछे की साइड, 1 मिनट। हाँ, तो मॉर्निंग वाली ट्रेड में देखो जो है वो मूवमेंट फास्ट होता है। ठीक है, तो उसमें आपको कैसा करना है, जल्दी से ट्रेड लेके और जल्दी से एग्जिट होना, सिंपल सा। अब मैं आ गया 23 तारीख के चार्ट पे। ठीक है, 23 तारीख का चार्ट ये रहा, मार्केट ओपन हुई 898 यानी कि 900 पे, तो हमें क्या करना है, 100 पॉइंट इधर और 100 पॉइंट इधर। ठीक है, तो 1 मिनट, यहाँ का ही मार्केट ओपन हुआ 898, ठीक है, यानी कि 900, तो यहाँ पे 800, तो ये रहा, हाँ ये रहा, ठीक है, 800 यहाँ कहीं है, और वहीं इधर जाएंगे हम तो 48,000 ये रहा। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट नीचे हो गया, 100 पॉइंट ऊपर हो गया ऑन एवरेज। अब हमें क्या देखना है कि भाई मार्केट कहाँ जा रहा है, पहला कैंडल ये बना, दूसरा कैंडल ये बना, अंदर ही रहा, तीसरा कैंडल ये रहा, ये भी अंदर रहा, चौथा कैंडल ये रहा, यहाँ पे इसने ऊपर मूवमेंट दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमें ट्रेड लेना था, ले लिया हमने, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया, यानी कि हमारा मार्केट फीवर में नहीं गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया। एवरेज एवरेज आप लगाओगे तो आपको 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड मिलते हैं ना, तो भी आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, किसी दिन ऐसा भी होगा कि मार्केट सस्टेन कर जाए, बीच में ही रेंज रह जाए और आपको ट्रेड ना भी मिले। ठीक है, तो वो भी आपको फोकस करना है। ओके, तो और दिन चलते हैं, देखते हैं, ये रहा हमारा मार्केट ओपन हुआ यहाँ कहीं 48,115 यानी कि 48,100 पे, तो 48,200 यहाँ हो गया, और 48
48,000 यहाँ कहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या देखना है आपको, सिंपल सा, पहली कैंडल ये रही, ठीक है, दूसरी कैंडल ये रही, इसने भी अंदर ही लिया, लेकिन तीसरी कैंडल क्या है, भागती हुई नीचे चलेगी। देखो अगर आपको इंस्टेंट उसी टाइम पे ले सकते थे तो वो ले लेते, ठीक है, नहीं तो आपने अगर कैंडल के बीच में ले लिया है तो आप वो बहुत अच्छा है कि आपने एक अच्छा मूवमेंट ले लिया, क्योंकि देखो इतना दूर जाने के बाद आप ट्रेड नहीं ले सकते इसमें, ठीक है। कम से कम इसने यहाँ पे देखोगे तो 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया, तो 150 पॉइंट के बाद आप उसको ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन आप चलते हुए कैंडल में भी ट्रेड ले सकते हो, जैसे यहाँ पे देखा आपको कि मार्केट ट्रेंड बेरिश है, तो पुट की साइड का ट्रेड आप आसानी से ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाता, ऐसे आपको मॉर्निंग स्ट्रेटजी में ट्रेड लेना है, ठीक है। और भी चलते हैं पीछे देखते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, ये रहा, देखो मार्केट का ओपनिंग यहाँ कहीं दिखा रहा है, ठीक है, ओपनिंग दिखा रहा है 925 पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं हमारा हो रहा है अपसाइड का, और यहाँ कहीं हो रहा हमारा, थोड़ा नीचे हो रहा है, 1 मिनट इसको नीचे स्क्रॉल कर देंगे, तो यहाँ कहीं हो रहा हमारा डाउन साइड का, जिधर भी जाता है हमें ले लेना ट्रेड, ठीक है। पहला कैंडल यहाँ पे गया, ऊपर गया और इसने इसको लाइन को ब्रेक कर दिया। अगर आपको लेना है तो आप चलती कैंडल में ले सकते हो यहीं की यहीं, ठीक है, नहीं तो इतना दूर जाने के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना। फिर दोबारा रिवर्सल मारा इसने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आया, तो आप यहाँ पे जाके आसानी से ट्रेड ले सकते हो। जब ये नीचे आया ना तो आपको क्या पता लग गया कि अब ये मार्केट में, मार्केट का देखो व्यू कैसा होता है मैं बताऊँ, मार्केट एक साथ ऐसे भागता हुआ नहीं जाता है, मार्केट ऐसे जाएगा फिर आएगा, ऐसे जाएगा फिर आएगा, ऐसे जाएगा फिर आएगा, तो ऐसे मार्केट जाता है। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से आया यूँ गया, ठीक है, फिर आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो ऐसे ऐसे आता है ये, ठीक है। मार्केट का यही ट्रेंड होता है, एक उसको फिर उस पर उसके ऊपर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रेड से लेने हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमको ट्रेड मिल गया, तो अच्छे खासे पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ऐसे हमको मॉर्निंग स्ट्रेटजी और ईएमए स्ट्रेटजी पे वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।